एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा यही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो हमारे अंदर आने वाले बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, उनको सबसाइड करता है, उनको कम करता है और उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। एक ऐसा ही संस्कार, एक ऐसी ही आदत है हमारे अंदर कि हम बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हैं। हर व्यक्ति से जब आप बात करोगे ना और उससे दुखड़े की जब बात करोगे, उसके दुख निकालने की बात करोगे, तो वो यही कहेगा जो मैंने सहन किया है ना, वो शायद ही दुनिया में किसी और ने सहन किया होगा। ये हर व्यक्ति कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर अपनी सहन करने की सीमा को अपने चरम पर अनुभव कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि इसी की वजह से ही आज आप अपने अंदर बहुत सारे दुखों को और भी ज्यादा इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ दुखों के बारे में सोचेंगे तो परमपिता परमात्मा भी आपकी टोकरी में, आपके झोले के अंदर और ज्यादा दुख ही डालने वाले हैं। सो मेक श्योर आप उन बेहतरीन चीजों के बारे में देखिए, चाहे वो आपकी लाइफ में कम होंगी, चाहे वो हो सकता है कि वो बहुत गिनी चुनी हो, आप शायद उन्हें उंगलियों पर गिन पाए, लेकिन उन पलों को, उन क्षणों को याद करने की कोशिश कीजिए जो बेहतरीन रहे आपकी लाइफ के, और आप उसी तरह के क्षणों को आगे भी अनुभव करना चाहते हैं। सो दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जिस तरीके से हमारी सोल का खूबसूरत होना ज़रूरी है, हमारे दिमाग का, हमारे मन का खूबसूरत होना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर का भी खूबसूरत होना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मन और आत्मा तो बात की बातें होती हैं, चेहरे पर और शरीर पर सबसे पहले नज़र जाती हैं। और इसी चेहरे पर जब काली काली झाइयाँ आ जाती हैं ना, तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसी तरीके आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे घर में बनाए जाने वाले एंटी पिगमेंटेशन पाउडर के बारे में, जिसे अगर आप रोज खाने में शुमार करेंगे, खाना है इस पाउडर को, ये खाने का पाउडर होगा, ये लगाने का पाउडर नहीं है, इसको खाना है हमको। और जब हम इसे खाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों में अंदर से हमारी स्किन के अंदर जो कलर बनाने वाला पिगमेंट है, जो मेलानिन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जितना ये कम होता जाएगा उतना हमारे चेहरे का जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स हैं या फिर मंकी माउथ या फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है, वो खत्म होने लगेगी। तो क्या कुछ चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए और इसका रीजन क्या है कि ये मैंने सेलेक्ट की है? तो नंबर वन जो चीज चाहिए ना दोस्तों, वो चाहिए मुलैठी पाउडर। हम सभी जानते हैं कि जो मुलैठी है ना, वो आयुर्वेद में इतनी बार लिखी गई है, इतनी बार इसके बारे में बोला गया है, क्योंकि ये हमारी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग, ये दोनों प्रॉपर्टीज देने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आप स्किन के कलर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं आपके स्किन के अंदर किसी भी तरह के जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो बाहर निकल कर के आ जाएं, तो हर एक सिचुएशन के अंदर आपको मुलैठी पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके देता है। बशर्ते आप ऑर्गेनिक मुलैठी पाउडर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक मुलैठी पाउडर आपको जल्दी और ज़्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट देने में आपकी मदद करेगा। तो 50 ग्राम हमें यहाँ पर मुलैठी पाउडर लेना है। नंबर दो, जो चना होता है, जिसको हम भुना हुआ चना कहते हैं, इस भुने हुए चने को हमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये स्किन में क्या करेगा? दोस्तों, हमारी स्किन जो बनी होती है वो बनी है प्रोटीन से, और प्रोटीन जो अगर हमारी स्किन में कम हो जाए तो डेफिनेटली हमारी स्किन की जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जाएगी। ये जो भुना हुआ चना है, जिसको चने का सत्तू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या चने का सत्तू भी आप कह सकते हैं, ये एक प्रोटीन का नेचुरल और एक बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के हालांकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो तो मार्केट में अवेलेबल हैं, हम और आप ट्राई भी करते हैं, लेकिन चने के सत्तू से बेहतर या चने से बेहतर कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि ये डायबिटीज़ में भी काम करता है और साथ के साथ में ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो छोटी एज का है, चाहे वो बड़ी एज का है, कोई भी व्यक्ति इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो चने का सत्तू या चना जो है उसको पीस करके हमें यहाँ पर डालना है 50 ग्राम। नंबर तीन चीज़ कौन सी डालेंगे? तो नंबर तीन चीज़ हमें डालनी है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि शतावरी जो है वो महिलाओं में विशेषकर हार्मोन्स को बैलेंस करती है।
तो अगर आप एक महिला हैं और आप खुद के लिए इस पाउडर को बना रहे हैं तो आप शतावरी पाउडर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप एक पुरुष हैं, अगर आप एक मेल हैं या आप एक फीमेल हैं लेकिन एक मेल के लिए बना रहे हैं, एक पुरुष के लिए इसको बना रहे हैं, तो आप शतावरी पाउडर की जगह पर यहाँ पर अश्वगंधा पाउडर यूज़ करोगे, क्योंकि हमें हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है। तो पुरुषों के लिए अश्वगंधा, महिलाओं के लिए शतावरी, 50 ग्राम हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये 50 ग्राम शतावरी हमारी स्किन के अंदर जो हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो पिगमेंटेशन आ गया है, झाइयाँ आ गई हैं, उन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करेगा। नंबर 4 इंग्रेडिएंट क्या डालेंगे? तो नंबर 4 इंग्रेडिएंट हमें डालना है यहाँ पर बादाम का पाउडर। बादाम को घिसने के बाद उसका सूखा हुआ पाउडर भी मिलता है, या फिर आप बादाम को हल्के हल्के से कतरन करके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो लगभग 50 ग्राम के आसपास ही हमें बादाम डालना है। बादाम के अंदर नेचुरली विटामिन ई होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को नरिशमेंट मिलता है, हमारी स्किन को ग्लो मिलता है और हमारी स्किन में एजलेस प्रॉपर्टीज नज़र आती हैं। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें ऐड करना है वो है हमारे घर में ही होने वाली अवेलेबल दही। अब दही आप मिला के तो नहीं रखोगे डेफिनेटली, तो कैसे रखोगे? आपने चार चीज़ें ले ली हैं। आपने सबसे पहले लिया है मुलाची पाउडर 50 ग्राम, उसके बाद चने का सत्तू या साबुत चने को पीस करके आपने लिया है 50 ग्राम, फिर आपने शतावरी लिया या फिर अश्वगंधा लिया 50 ग्राम और बादाम का पाउडर डाला 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को मिला के एक पाउडर बना के रख लिया। अब आप दिन में 2 बार इस कॉम्बिनेशन में से 1 चम्मच लोगे और इस 1 चम्मच के अंदर आप 1 चम्मच और दही ऐड करोगे। इन दोनों चीज़ों को मिलाओगे और फिर आपको खाना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मेरे पास दही नहीं है तो क्या मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती? बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है ये दही के साथ ही एक्टिवेट होगा। और दही अगर आपके पास नहीं है या दही आप नहीं खाते हो या दही नहीं खाना चाहते हो तो ये पाउडर एक्टिवेट नहीं होगा। सो मेक श्योर आप इसको प्लीज़ गांठ बांध लीजिएगा कि ये जो 4 चीज़ों से मिलाकर आपने पाउडर बनाया है इसको दही के साथ ही हमें लेना है, बिना दही के ये काम नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि इसे दिन में 2 बार हम कब कब लें? तो बेहतर होगा आप सुबह खाली पेट ले लो 1 चम्मच और रात को सोने से पहले ले लो 1 चम्मच। तो इस तरीके से आप दोनों टाइम पर एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। तीसरा सवाल आता है, सर हम कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखो, जनरली पिगमेंटेशन आता है 20-22 साल की एज के बाद में, बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप छोटे हो या आपके घर में कोई बच्चा छोटा है 12-15 साल के ऊपर का है लेकिन, तो आप उसको आराम से कि पाउडर का कंजप्शन करवा सकते हो। चौथा सवाल आता है, क्या सर हम इस पाउडर को बना करके बहुत बड़ी मात्रा में रख सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जो बादाम है ना उसके अंदर जो तेल होता है वो धीरे धीरे बाकी चीज़ों के साथ मिलकर के हल्का सा स्मेल देने लगता है। तो कोशिश करो कि जो 50-50-50-50 ग्राम के जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए अब उतना ही बनाओ और फिर जब ख़त्म हो जाए तो वापस बना लो। आप अलग अलग चीज़ों को रख सकते हो लेकिन मिला करके आप नहीं रखोगे। नंबर अगला सवाल आता है कि सर कितने समय के लिए लेना है? तो डेफिनेटली आपको कम से कम इसे 6 से 8 महीने लोगे, क्योंकि क्या होता है नेचुरल चीज़ें थोड़ा समय लगाएंगी और अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर इस पूरी रेमेडी को ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और फीडबैक देने के साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि पिगमेंटेशन जो है ना बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अगर सनस्क्रीन आपने नहीं लगाया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सनस्क्रीन से लगाने से क्या होगा कि सन से प्रोटेक्शन होगा और जो स्किन आपकी धीरे धीरे रिकवर हो रही है उसको वापस आप डैमेज होने से रोक पाओगे। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर एक लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट लाते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आप सर विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।